अरे एक मास्क की कीमत तुम क्या जानो कोरोना बाबू, इसे पहने तो घबराहट और नहीं पहने तो 1000 का दंड। खैर छोड़ो, लेकिन मेरे मित्रों बंधुओं एक बात तो माननी ही पड़ेगी, अब चाहे मोदी जी लॉकडाउन करवाए या नहीं करवाए, हमें खुद ही बाहर जाने से डर लगने लगा है। लेकिन आपको पता है अभी तक जिनके घर में कोरोना का केस नहीं आया वो कैसे बात कर रहा होगा? नहीं पता, बता दो। अरे भाई ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है क्या? ये सब पॉलिटिक्स है पॉलिटिक्स। मास्क वास्क नहीं पहनने का, ये सब झमेले में पड़ने का ही नहीं। मतलब खुद तो मरेगा ही दूसरों को भी मरवाएगा, तो आप लोगों को ऐसी फिजूल बातों में नहीं आना है, उनकी वजह से खुद का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग जो उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं वो विदाउट प्रूफ कर रहे हैं। अभी तक किसी ने भी कुछ प्रूफ के साथ नहीं बताया और हम में से किसी को भी नहीं पता है कि ये बीमारी कहां से आई है और कहां तक लेके जाएगी। तो आप लोगों को अगर खुद का दिमाग नहीं चल रहा है तो उसको नहीं चलाने का, पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स और नर्सेस बोल रहे हैं वैसा ही करना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइज करते रहना है और काम के अलावा घर से बाहर नहीं निकलना है। बस इतना ही करके खुद पे एहसान करो मेरे भैया, क्योंकि वो क्या है ना, कोरोना को तो हम भगा के ही रहेंगे। अरे जब अंग्रेजों को नहीं टिकने दिया था तो ये तो कोरोना है कोरोना, जो खुद हमारी आंखों से हमें दिखता तक नहीं है, वो उसको कैसे टिकने देंगे। और वैसे भी जो मेहमान होते हैं वो थोड़े दिनों के लिए ही अच्छे लगते हैं, फिर उनको भी निकालना ही पड़ता है। लेकिन अब हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ दिनों में ही रिकवर होके घर वापस आ ही रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे, कोई मेडिकल में होगा, कोई लेबोरेटरी में होगा, तो कोई हॉस्पिटल में होगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि हम अभी तक लड़ रहे हैं, हारे नहीं है, और जब तक लड़ते रहेंगे हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। और हमने हमारे देश में बहुत कुछ देखा है, मृत्यु है, त्योहार, यात्राएं, बहुत कुछ। ये कोरोना ही तो देखना बाकी था तो इसको भी देख लिया, और जिसे सबका ही जाना निश्चित था वैसे ही कोरोना का जाना भी निश्चित है, बस लड़ते रहना है। अरे कोरोना भी क्या याद रखेगा कि कहां इंडियंस से पाला पड़ा था। मेरी सरकार से एक ही विनती है, जो भी कोरोना पेशेंट है उन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, और उससे भी ज्यादा उन लोगों पे ध्यान दिया जाए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मेडिकल में से दवाइयां नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल रही, प्लीज उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। गाइस अभी हमें एक दूसरे के साथ सहकार की ही जरूरत है, बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज से नहीं लड़ पाएंगे। एक दूसरे का साथ देते रहे, और जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई भी कोरोना पेशेंट को या उनकी फैमिली को किसी की भी तरह की हेल्प करना चाहता है तो प्लीज पूरी डिटेल कमेंट में शेयर करें, जिससे कि जरूरतमंद आपका कांटेक्ट कर पाए और आप तक पहुंच पाए। एक मिनट, ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। सब लोग बोल रहे हैं 2 गज दूरी, वैक्सीनेशन है जरूरी, अब कोई बोल रहा है वैक्सीन लो, कोई बोल रहा है वैक्सीन नहीं लो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, मैं मर जाऊं? अब इसकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, बी पॉजिटिव, और कोरोना नेगेटिव।